हम इसमें डालेंगे 300 मिलीलीटर फुल क्रीम मिल्क फैट मिल्क अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून चीनी चीनी को इसमें मिक्स करें ताकि ये थोड़ा दूध मीठा हो जाए वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर आप चाहें तो इसमें चुटकी नमक भी डाल सकते हैं उससे फ्लेवर और बढ़ेगा एक टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर में एक टेबल स्पून दूध मिलाएँ मिक्स करें और अब हम दूध में ये कस्टर्ड वाला मिल्क डालेंगे तो ये इसमें डाल दें और मिक्स करें और तो हमारा ये कस्टर्ड मिल्क रेडी है अब हम इसमें ब्रेड को डिप करेंगे तो पैन मैंने गरम करने के लिए पहले से रख दिया था ताकि इसमें बटर डालें पैन में एक टेबल स्पून बटर और अब हम इसमें ब्रेड को दूध में डिप करके फिर इसे टोस्ट करेंगे फ्रेंच टोस्ट तो इसमें डिप करें कस्टर्ड वाले दूध में ब्रेड को अब हम इसे टोस्ट करेंगे ये देखें इस तरीके से इसे इसमें डाल दें और गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे हम दोनों साइडों से इसको तो अच्छे से इसे इसमें डाल दें तो जब ने एक साइड से पक जाए तो पलट दें तो दोनों साइडों से आपको सर्ख सुनहरा कर लेना है इसको ये नीचे से पक गया था तो मैंने पलट दिया और दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए इसी तरीके से हम बाकी बनाएंगे इसमें डालें वन बाय फोर कप ग्रेन्यूलेटेड शुगर मतलब दानेदार चीनी इसको कैरमलाइज करें गोल्डन ब्राउन कलर करें चीनी का कैरेमल वाला जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको चलाते रहें ये देखें चीनी कहरे में लो गई है अब हम इसमें डालेंगे थ्री बाय फोर कप दूध इसमें दूध डाल दें थ्री बाय फोर कप घबराइएगा मत ये चीनी थोड़ी जम जाएगी पर जैसे आप दूध को उबालेंगे ना तो ये सही हो जाएगी चीनी मेल्ट हो जाएगी दूध में पहले थोड़ी कड़क होगी फिर ये मेल्ट होकर सही हो जाएगी तो घबराना नहीं है बस इसे ऐसे ही छोड़ दें थोड़ी देर के लिए उबलने दे दें पैन में मैंने दोबारा से बटर डाला है दूसरी ब्रेड को हम इसी तरीके से सोख करेंगे हर बारी आपको बटर डालना पड़ेगा पैन में वरना आपकी ब्रेड नीचे चपक के जल सकती है बटर की वजह से चिपकेगी भी नहीं जलेगी भी नहीं तो मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करें दोनों साइडों से घबराइए नहीं अच्छे से बन जाता है और ब्रेड टूटती भी नहीं है ये देखें मैंने डिप भी आपके सामने किया और टो इसे ये कैरेमल सिरप रेडी है इसे ठंडा करें तो ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा बस इस ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है ठंडा करें फिर हम इसे सर्व करेंगे चिल्ड तो ये कैरेमल सिरप ये ब्रेड को ना स्टैंड पे ठंडा करें ताकि ये क्रिस्पी रहे बहुत देर तक अगर आप डायरेक्ट प्लेट में डालेंगे ना तो ये सोगी हो जाएगी मैंने पाँच मिनट स्टैंड इस पे इसे ठंडा किया है तो अब हम ये क्रीम चीज़ लगाएंगे इसके ऊपर इसकी रेसिपी मैंने कल पोस्ट की है अपने चैनल पे तो आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स में यूट्यूब पर क्रीम चीज़ की रेसिपी बाय डॉक्टर आरतीज़ किचन तो आपको मिल जाएगी क्रीम चीज़ लगाएँ पहले फिर हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम लगाएँगे अच्छा खासा स्ट्रॉबेरी जैम लगाएँ और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे इस कैरेमल सिरप जो हमने बनाया है वो और ब्लूबेरीज और रसबेरी डालेंगे इसके ऊपर तो ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर रसबेरीज आपके अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं स्ट्रॉबेरी मैंगो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे कैरेमल सिरप और ब्लूबेरीज डाल दें बड़ा मज़े का बनता है ज़रूर ट्राई करिएगा और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं खूबसूरत देखने के लिए तो ये मैंने कैरेमल सिरप इसके ऊपर डाल दिया ये मैंने टोस्ट बनाया है फ्रेंच टोस्ट और अब मैं सैंडविच भी बनाऊंगी तो वो भी आप लास्ट तक देखें तो थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अब हम फ्रेंच टोस्ट सैंडविच बनाते हैं उसके लिए पहले बीच में क्रीम चीज़ लगाएं फिर स्ट्रॉबेरी जैम लगाएं दूसरी ब्रेड स्लाइस पे और इसमें कैरेमल सिरप डाल दें इसको भी फैला दें बराबर और अब हम इसे ढक देंगे इस तरीके से सैंडविच फ्रेंच टो सैंडविच तो अब हम इसके ऊपर ब्लूबेरी रास्पबेरी रसबेरी डालेंगे थैंक यू